नमस्कार फ्रेंड, मैं सुदीप फिर से आ गया एक कलर और ड्राइंग वीडियो लेके। चलिए हम ड्राइंग शुरू करती है। पहले हम पेंसिल से एक बच्चे का फेस ड्राइंग कर रहा हूँ। देखिए कैसे हो रही है ड्राइंग। आप देख रही है आज का टॉपिक है फिशिंग। तो हम लोग आज एक फिशिंग जो कंपोजिशन होता है ना, उसका पेस्टल कलर से पेंटिंग बनाएंगे। ठीक है, मेरा जो सेफ ग्रीन चैनल है, जिस लोग नया है प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। मेरा ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं इस बार कलर पोर्शन में जाएगा। पहले मैंने येलो कलर ले लिया, क्रोम येलो जो होता है, उससे जो शान है उसके चारों धर मैंने कलर कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे कलर करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्काई कलर है, उस स्काई कलर से मेरे बाकी जो स्काई है उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे मैंने पूरा कवर कर दिया। उसके बाद जो डीप स्काई है ना, दोनों मोर स्काई ब्लू, उसमें से नीचे से हिस्सा थोड़ा सा डीप कर देना पड़ेगा। मैंने स्काई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने ट्री में पहुंच गया। ठीक है, जो पेड़ है ना उसके पत्ते मैंने कलर कर लिया। उसके बाद दोस्त मैं पेड़ का जो नीचे का हिस्सा वो कलर कर लिया। देखिए मैं डीप ब्राउन दे रही हूँ। ठीक है, येलो कर दे दिया, उसके बाद डीप ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे करिए। आप लोग का कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का आंसर देने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ कलर करने पड़ेगा। एक एक ऊपर के हिस्से से कलर करिए, इससे कि आपका जो पेंटिंग है ना एक थोड़ा गंदा काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने जो पीछे का हिस्सा, स्काई का नीचे जो पीछे हिस्सा है ना, उसको कलर कर रहे हो सेकेंड येलो और सैप ग्रीन से। ठीक है, मेरा चैनल का नाम भी सैप ग्रीन है। जो लोग मेरे चैनल में नया है प्लीज़ मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए और पास से रहा जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए, क्योंकि मैं जितना भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मोबाइल में सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, मैंने पीछे का हिस्सा कलर हो गया। उसके बाद मैंने एक डीबी है उसको कलर कर रहे हो। ठीक है, वो येलो और ग्रीन से कलर कवर कर रहे हो। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। मैं जो दो हाउस की ड्राइंग किया था उसका भी कलर कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसका वॉल जो है वो कलर कर रहा हूँ। देखो, सर मैंने कलर कर रहा हूँ। जो दो बच्चे हैं वो जिधर खड़ा हो गया ना, उसका जो नीचे का हिस्सा वो मैं कलर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। इस बार मैंने जो बच्चे हैं उसके एक सेंडो गेंजी पहना है उसका कलर कर रहा हूँ। पैंट, दूसरे बच्चे का शर्ट भी कलर कंप्लीट हो गया, पिंक कलर हुआ। उसका पैंट ब्लू हो रही है। ठीक है, इस बार मैंने फेस और हाथ पर मैं कलर कंप्लीट कर लिया, पानी में चला गया। ठीक है, पानी का कलर स्काई ब्लू दे रही हूँ। ऊपर का हिस्सा, मिडिल का हिस्सा मुझे येलो कलर देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो शान है ना उसका शैडो नीचे आएगा पानी में, इसलिए मैं मिडिल में थोड़ा सा येलो दे दिया। उसके बाद थोड़ा डीप कर ले रही हूँ। ठीक है, मैंने नीचे का हिस्सा कर रहा हूँ। इस बार नीचे का जो पानी है वो हिस्सा बहुत डीप हो गया। ठीक है, दिख रही है, धीरे धीरे मेरा पूरा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग करने के लिए हमको ग्लास मार्कर पेंसिल चाहिए। जो हेयर का कलर है, आँख है। ठीक है, देखिए मैंने ग्लास मार्कर पेंसिल से
वो डिटेलिंग कर रहा है वो, ठीक है। हेयर हो गया, देखो दोनों का हेयर ही हो गया। जो का पेड़ का जो पत्ता होता है ना, उसको थोड़ा डिटेलिंग के लिए, जो घर है उसका दरवाजा बनाने के लिए मैंने ग्लास मार्किंग पेंसिल को लिया। देखिए मैंने आँख बना रहा हूँ, आँख मुंह गला जितने भी आपको आता है डिटेलिंग कीजिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो लोग कलर करोगे ना, कलर का बहुत डस्ट आएगा, उस डस्ट को आप हाथ से मत हटाइए, ठीक है। मुंह से फू दीजिए वो उड़ जाएगा। दो तीन मैंने बर्ड कर रहा हूँ स्काई में। देखिए मेरा पेंटिंग पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ भी कमेंट कर सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड बाय फ्रेंड, अच्छे रहोगे, ठीक है।